अमेरिका मिड टर्म इलेक्शंस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लोअर हाउस में 218 सीटें जीत ली, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 211 सीटें मिली। चुनावी नतीजों के बाद अमेरिकी संसद के लोअर हाउस में ट्रंप की पार्टी का कंट्रोल होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत खोने के बाद बाइडेन कमजोर हो जाएंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाइडेन को हर बड़ा फैसला लेने के लिए संसद में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भरोसे रहना होगा। दरअसल लोअर हाउस में जिस पार्टी की जीत होती है उस पार्टी का संसद में दबदबा होता है, वही पार्टी कानून बनाने में ज्यादा अहम रोल अदा करती है। लोअर हाउस में रिपब्लिकन की जीत का मतलब यह है कि अब वही तय करेगी कि किन कानूनों पर वोटिंग होगी। लोअर हाउस में ट्रंप के मजबूत होने के बाद अमेरिका में चर्चा है कि वह बाइडेन के एजेंडों पर रोक लगा सकते हैं। उधर चुनावी नतीजों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप की पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने कहा, मैं अमेरिकी जनता की सेवा के लिए किसी भी पार्टी, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन्स के साथ काम करूंगा। जनता बस इतना चाहती है कि उनका काम होता रहे। मैं जनता का काम करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी का आधार तय करते हैं। आसान शब्दों में समझे तो लोगों के वोटों के आधार पर राष्ट्रपति उम्मीदवार का आकलन किया जाता है और राष्ट्रपति चुना जाता है। चुनावी नतीजे के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप के ऐलान के बाद 2024 में एक बार फिर से बाइडेन बनाम ट्रंप का मुकाबला हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।